किसी की करनी और किसी को बरनी, ऐसी एक कहावत धर्म नगरी वृंदावन में चरितार्थ तो होती हुई नजर आ रही है। ये मामला रमनरेड्डी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत राधा टीला के समीप रशियन बिल्डिंग का है, जहां मूल रूप से रूस निवासी यूस्लाव क्रोमोनोवासोवा रोमानोव या उसकी पत्नी नतालिया निवासी गोपाल धाम कालंदी ने रशियन बिल्डिंग के निर्माण को श्री वृंदावन ट्रस्ट के माध्यम से MBDA से 4 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा पास कराया था, लेकिन 7 मंजिला बिल्डिंग तैयार करा ली, जिसका खुलासा 2019 में बिल्डिंग के जनरेटर रूम में आग लगने के दौरान हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्डिंग की जाँच की तो वहाँ पर आग पर काबू पाने के कोई भी पर्याप्त दाम नहीं थे। इस पर फायर अफसर संजय जायसवाल द्वारा बिल्डिंग स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इतना ही नहीं, फ्लैट में बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए राजस्व चोरी का मामला भी प्रकाश में आया, जिसमें नामजद भवन स्वामी द्वारा लोगों से रजिस्ट्री के नाम पर लाखों रुपए लेने के बाद सिर्फ एग्रीमेंट एवं बोल से विदेशी भक्तों ने लाखों डॉलर लेकर 100 रुपए के स्टाम्प पर किराएदारी का एग्रीमेंट करा रखा है। इस मामले में अलेक्जेंडर बाइकोकोव ने भी नामजदों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया रखा है। इन दोनों मुकदमों की जांच पुलिस एवं LIU द्वारा की जा रही है। वहीं 2 अप्रैल को जांच के लिए पहुंचे विवेचक SSI मनोज कुमार एवं पुलिस कर्मियों के समेत LIU की टीम पर आरोपी दंपति द्वारा हमला कर दिया गया था। इसमें पुलिस के साथ मारपीट, सिपाही की वर्दी फाड़ने एवं महिला आरक्षी के हाथ पर काटने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में ये भी पता चला कि आरोपी दंपति के वीजा का समय 2 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो जाने के बावजूद भी ये दोनों यहां अवैध रूप से रह रहे थे। इस सब को देखते हुए DM नवनीत सिंह चहल द्वारा रविवार को बिल्डिंग सील करने के निर्देश जाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव, CEO सदर प्रवीण कुमार मलिक एवं कोतवाली प्रभारी अजय कौशल द्वारा बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर वही रह रहे लोगों से 24 घंटे के अंदर अपने अपने फ्लैट खाली कराने के लिए मुनादी करा दी गई है। लेकिन इस कार्यवाही से बिल्डिंग पर रह रहे विदेशी लोगों में खलबली मची हुई है। फ्लैट खाली करने के समय आबादी सोमवार को पूरी होने से ही वहां लोग मजबूरी अपना सामान लेकर कहीं और जाने के लिए रवाना हो गए। वहीं अभी भी अधिकांश लोग बिल्डिंग में ही रुके हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसे में अचानक वे लोग कहां जाएं? कुछ लोग तो किराए का फ्लैट लेने के लिए रुपए ना होने की बात भी कह रहे हैं। मेरा कमला शर्मा। आप रशियन बिल्डिंग में रहती हैं? हाँ। कब से रहती हैं? 6 साल तो हो गया। आपका खुद का फ्लैट है? हाँ, खुद का। कब खरीदा था आपने? 6 साल हुआ। तो अब आपको बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया? हाँ, 2 दिन से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? क्या फैमिली के साथ रहती हैं? नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। कौन से माले पे है आपका फ्लैट? सेकंड। आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, 2 दिन से भी पुलिस आई थी, पुलिस खाली कर। आज शाम तक के लिए बोला गया है? हाँ, आज शाम में तो कल खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा सामान भी सब सील कर देंगे, सामान मिलेगा नहीं। तो आपको किस तरीके की परेशानी हो रही है? अब टेंशन हो रहा है, कहाँ जाएंगे हम? मैं तो यहाँ किसको जानती भी नहीं हूँ, और कहाँ फ्लैट मिलेगा? और पैसे भी तो चाहिए ना, पैसे भी नहीं। अभी का दूसरा फ्लैट किराए पे भी जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या चाहती हैं प्रशासन से? यही चाहती हूँ कि हमको खाली नहीं करना पड़े बस। लेकिन ये तो आपकी सुरक्षा के लिए, फायर सेफ्टी, अगर यहाँ कोई सुरक्षा के उपकरण होंगे तो आप लोगों का ही फायदा है। आप रशियन बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ। प्रशासन के द्वारा यहाँ बिल्डिंग खाली करने के लिए समय दिया जा रहा है, आज शाम तक का भी समय दिया है। एक्चुअल तो कल भी आए थे तो बोले थे आज खाली कर दो, और आज फिर से आए हैं तो इंडिविजुअल मकान में जाके पूछते हैं उन लोगों को कि भाई आप कहाँ से हो, उनका रजिस्ट्री पूछते हैं कि आप सिटीजन हो कि नहीं हो, आप बाहर से हो और आपकी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं, ऐसे सब पूछे। बाद में जब कोई पूछता है कि भाई क्या किस लिए आप रजिस्ट्री कर, बोलते हैं आप आज का दिन आपको रखे, कल आपको खाली करना पड़ेगा, अगर आपने कल तक खाली नहीं किया तो फोर्सफुली हमको निकालना पड़ेगा। अभी देखो ये प्रशासन जिस तरह से निकालने का प्रयास कर रहा है हमको तो पता ही नहीं चला, जबकि हमारी मकान की तो रजिस्ट्री भी है हमारे हाथ में है और सब कुछ हमने करवा के रखा है। ऐसे तो किया नहीं कि जैसे कि हमने ऐसे ही हवा में तो कुछ है नहीं, सब कुछ जो भी है ऐसे प्रोफेशनली हमने पैसा पे किया है और रजिस्ट्री करवाया, फिर भी पुलिस आके धमकाती है और बोलती है कल से निकल जाओ। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है प्रशासन हमारे साथ। आप कितने समय से रह रहे हैं? हम यहाँ से 1.5 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने मकान खरीदा है 2017 से।
तो अब आज शाम तक आपसे खाली करने के लिए कहा गया है। हाँ, आज शाम तक खाली करने के लिए कहा गया। अब देखो कैसे खाली कर सके, प्रशासन को थोड़ा समझना चाहिए ना, कैसे इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं इतने, और इधर 99% डीओटी है जो कृष्णा भक्ति करने के लिए बाहर से आए हैं, लोकल इधर कोई भी नहीं है। बाहर से बोले तो दूसरे राज्यों से है और दूसरे देश के हैं, ऐसे नहीं है इधर यूपी के कोई भी इधर नहीं है, सब लोग है दूसरे राज्य, जैसे कि हम गुजरात से हैं, ओके, लेकिन इधर बजट करने के लिए आए हैं, हम ये सब चीज़ें करने के लिए आए हैं, हमको तो पता भी नहीं है क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये सब अभी, लेकिन अभी अब ऐसे में आप कैसे बिल्डिंग खाली करेंगे आप क्या? हमको तो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें हम, हमारा वाइफ भी घर पर रो रहा है, सब कुछ है, बच्चा एक है वो भी अभी अपसेट है, उसका स्कूल कल से स्टार्ट हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है, अभी टेंशन है, इतना टेंशन है कि पता ही नहीं कहाँ जाए किससे बात करें, कोई सुनने को तैयार नहीं, पुलिस जब आती है तो ऐसे रूडली बात करती है हमसे एज ए नॉनसेंस, हम तो ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे हमारे साथ बात करती है, ऐसे बात करने का तरीका भी नहीं उन लोगों के साथ। कल वो लोग आए थे जिस तरह से मैं उनको क्वेश्चन कर रहा था इंडिविजुअल प्रॉपर कि प्रभु जी आप किस लिए आए हो, क्या है नोटिस पढ़ा नहीं आपने, पढ़ लो ऐसे, यानी समझाने वाली बात ही नहीं है सीधा डायरेक्ट। तो नोटिस में क्या लिखा है क्यों खाली करनी है बिल्डिंग? नोटिस में लिखा है कि आपको ये बिल्डिंग में फायर का कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, फायर अगर हो जाता है तो आपका सेफ्टी का कोई अच्छा रीज़न नहीं है, इसलिए आपको खाली करवा रहे हैं, यानी फायर फाइटिंग का प्रॉब्लम है इधर एक्चुअली। वो बोलते हैं ये बिल्डिंग में एक डेढ़ साल पहले फायर हुआ था, तो वो फायर तो हर बिल्डिंग में होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जनरेटर था जल गया था तो वो तो तुरंत बुझा दिया।